हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ 10 मस्ट हैव क्लीनिंग हैबिट्स जो हम इग्नोर कर देते हैं, या तो टाइम नहीं मिलता है, या सोचते हैं कि अभी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाद में कर लेंगे, इतनी भी ज़रूरी नहीं है। एंड ऐसे ऐसे टिप्स मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ जो आपका क्लीनिंग प्रोसेस ईजी ही नहीं, बहुत हेल्पफुल भी बनाने वाले हैं। जैसे मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे सिंक बॉम्ब्स, जो सिंक के लिए, टॉयलेट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत सारे टेक्निक्स जिससे हम ऑडर, जो घर में स्मेल होता है, वो निकाल सकते हैं। वैक्यूम कैसे करें, वैक्यूमिंग की थोड़ी टिप्स एंड टेक्निक्स मैं शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके पास कारपेट एंड रग है तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एंड उसके अलावा जो क्लीनिंग हैबिट्स हमेशा जो हम इग्नोर कर देते हैं, वो सारे मिला के मैंने एक लिस्ट बनाया है जो 10 बनते हैं। तो वो सारे 10 क्लीनिंग हैबिट्स जो हैं मैं इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। इसके अलावा अगर आप 10 क्लीनिंग हैबिट्स, जो डेली क्लीनिंग हैबिट्स हैं हाउस क्लीन रखने के लिए, अगर वो देखना चाहते हो तो वीडियो के एंड में उस वीडियो का लिंक दे दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। सो वेलकम टू हाउसवर्क हैंगओवर चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। सो फर्स्ट मस्ट हैव क्लीनिंग हैबिट है क्लीनिंग एंड डिसइनफेक्टिंग डोर नॉब्स। स्पेशली जो बाथरूम के डोर्स हैं एंड जो एंट्रेंस के डोर हैं, हम छूते रहते हैं उनको पता नहीं कितनी बार दिन में, तो जो भी डर्ट एंड बैक्टीरिया होता है हाथ में, वो ट्रांसफ़र हो जाता है इस पर। तो इनको डिसइनफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने लिया है रबिंग अल्कोहल, जो आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप सुपरमार्केट्स में चेक कीजिए, नहीं तो मेडिकल स्टोर में तो पक्का आपको मिल जाएगा। एंड बहुत रीज़नेबल प्राइस है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। इसको एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ पे स्प्रे करके आपको डोर नॉब्स को वाइप करना है। इसके अलावा हम जो ज़्यादातर छूते हैं एंड उनको क्लीन करना भूल जाते हैं, वो है वाटर टैप्स। जो आपको बाथरूम में, किचन में वाटर टैप्स हैं, उनको क्लीन नहीं करते हैं हम रेगुलरली, उनको इग्नोर कर देते हैं। तो इस तरह अगर आप रबिंग अल्कोहल से उनको डिसइनफेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छी तरह जो है बैक्टीरिया निकल जाता है। सो सेकेंड क्लीनिंग हैबिट जो हमेशा हम इग्नोर करते हैं वो है क्लीनिंग टॉयज़। अगर घर में बच्चे हैं तो ये टॉयज़ क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड ये टॉयज़ पे जो है बैक्टीरिया, जर्म्स हमें दिखते नहीं हैं, पर इतने सारे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। स्पेशली अगर बच्चे सिक होते हैं, टॉयज से खेलते हैं, तो वो डेफिनेटली बैक्टीरिया, जर्म्स जो हैं इन पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसके अलावा जब बच्चे सिक भी ना हों तो ये टॉयज़ की वजह से जो हैं वो सिक हो सकते हैं, क्योंकि इनको मुंह में लगाना, छूना एंड उसी तरह जो है फूड, बच्चे जो स्नैक्स खाते हैं उसी तरह टॉयज़ के साथ खेलते खेलते खाते हैं। तो इनको वॉश करना इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं स्ट्रेस नहीं कर सकती, यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है। तो इसकी क्लीनिंग के लिए मैंने लिया है लॉन्ड्री मेश बैग। उसमें जो भी फिट होता है टॉयज़ एंड छोटे छोटे टॉयज, सॉफ्ट टॉयज, लेगो टॉयज, प्लास्टिक के भी हों, आप डाल सकते हैं इसमें। ये लॉन्ड्री मेश बैग जो है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अमेज़ॉन पे आसानी से मिल जाता है। तो मैंने इनको ज़िप कर दिया है अभी एंड इसको मैं सीधा ले जाके वॉशिंग मशीन में वॉश करने के लिए रख दूंगी। मैं आपको सेटिंग्स भी बताऊंगी कि आपको आसानी से जो है बिना टॉयज़ को डिस्ट्रॉय किए उनका शेप बरकरार रहेगा। इस अगर ये लॉन्ड्री मेश बैग आप यूज़ करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा टॉयज़ को। तो आप इस वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए, थोड़ा सा लॉन्ड्री डिटर्जेंट डाल के एंड डेलिकेट सेटिंग में सेट कर दीजिए। तो टॉयज़ वॉश हो चुके हैं, अभी हम 1-2 आवर्स जो हैं इनको सनरेस देंगे, ताकि जो भी डिसइनफेक्ट करना है सनरेस कर देगा। एंड इस तरह जो है हम सॉफ्ट टॉयज़, लेगो टॉयज़ जो भी हैं हम क्लीन करेंगे। एंड इसके लिए मैंने कोल्ड वाटर सेटिंग यूज़ किया है। तो थर्ड क्लीनिंग हैबिट जो है हम अक्सर इग्नोर करते हैं वो है क्लीनिंग सिंक। अगर किचन से बदबू आ रही है वो है सिंक से एंड रबिश बिन से। तो नॉर्मली जो वॉशिंग प्रोसेस है, हम डर्टी डिशेस वॉश कर लेते हैं, उसके बाद सिंक क्लीन नहीं करते हैं एंड सिर्फ वाटर से रिंस कर देते हैं, तो सिंक जो है पूरी तरह क्लीन नहीं होता है। तो सिंक क्लीन करने के बाद मैं आपको
अगर आप और एक स्टेप करना चाहोगे क्लीनिंग के लिए तो वो है सिंक क्लीनिंग बॉम्ब्स। उसके लिए मैंने 1 कप बेकिंग सोडा लिया है एंड इस बेकिंग सोडा को जो है मैं पानी से, सिर्फ ड्रॉप्स ऑफ वाटर से इनको इसको गीला करूँगी। जैसे वेट सैंड होता है बीच में मिलता है, उस तरह जो है हम इसको वेट करेंगे। तो पूरा एक ही साथ पानी नहीं डालना है, सिर्फ ड्रॉप्स डालते हुए इसको मिक्स करते रहेंगे। एंड इसके बाद जो है लेमन का जो पील होता है, जेस्ट कहते हैं उसको, तो उसको मैं इसमें डालूंगी। एंड लेमन से जो है डिसइंफेक्ट होगा। उसके अलावा जो है लेमन बहुत फ्रेश स्मेल स्प्रेड करता है किचन में, तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे यूज़ करना, तो मैं लेमन यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको ऑरेंजेस का जेस्ट जो है पसंद है तो आप ऑरेंज पील भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनको अच्छी तरह मिक्स करके जो है मैं मोल्ड में रख दूँगी एंड इसको हम ओवरनाइट ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। तो अगर आपको फुल ट्रे बनाना है तो आप 2 कप्स बेकिंग सोडा लीजिए। मुझे सिर्फ 2 दिन के लिए बनाना था क्योंकि मैंने इनको चेंज करती रहती हूँ। अगर आपको पसंद है थोड़ा सा स्मेल, अगर आप इसमें फ्रेगनेंस लाना चाहते हो तो एसेंशियल ऑयल भी ऐड कर सकते हो। पर ये बेसिक जो चीज़ें हमें किचन में मिलते हैं मैंने उससे बनाया है, सिर्फ बेकिंग सोडा, पानी एंड लेमन जेस्ट। तो ओवरनाइट ड्राई हो चुके हैं, इसके बाद सिर्फ मैं टैप करूँगी हल्का सा एंड ये बहुत आसानी से निकल आ जाएंगे। इस तरह दिखते हैं, थोड़े येलोइश दिख रहे हैं क्योंकि हमने लेमन जेस्ट डाला है एंड ये बेबी येलो जो कलर है मुझे बहुत पसंद है एंड देखने में भी अच्छा है। एंड ये आप लॉट में बना सकते हो, बड़े बैच में बनाइए, स्टोर कीजिए 1 ग्लास जार में एंड जब चाहे आप यूज़ कर सकते हो। जब सिंक क्लीन होता है उसके बाद जो है आप ये छोड़ दीजिए उसमें, तो ये अपना काम करने लगेगा, एक अच्छा सा स्मेल छोड़ेगा। उसके अलावा बेकिंग सोडा जो है ड्रेनेज की प्रॉब्लम्स अगर हैं तो वो भी क्लियर कर देगा। उसके अलावा जो है सिंक में जो स्मेल होता है उसको एलिमिनेट कर देता है, मतलब निकाल देता है। तो ये इतने अच्छे तरह काम करते हैं एंड ये मैंने निकाल के रखे हैं क्योंकि टॉयलेट के लिए भी ये बहुत अच्छा काम आएगा। 4th क्लीनिंग हैबिट जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं वो है अंडर बेड क्लीनिंग। बेड बना लेते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि रूम जो है क्लीन हो गया है, पर अंडर बेड जो है बहुत सारे हिडन स्पॉट्स होते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि सोफे के पीछे या अंडर बेड, हम जहाँ पे स्टोरेज के लिए स्पॉट यूज़ करते हैं वो क्लीनिंग भी ज़रूरी है। सो अंडर बेड क्लीन करने के लिए कारपेट के लिए मैं वैक्यूम क्लीनर यूज़ करती हूँ एंड जो भी सामान है उसके लिए बेबी वाइप्स यूज़ करती हूँ। एक बेबी वाइप के लिए मुझे बहुत सारा सामान जो है क्लीन हो जाता है। इसके अलावा बेबी वाइप्स इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि वो वेट वाइप्स होते हैं एंड जो भी धूल वगैरह होता है वो उड़ता नहीं है, इस वाइप को चिपक जाता है, तो बहुत आसानी से क्लीन हो जाएगा, इसको धोना भी नहीं पड़ेगा। उसके अलावा जो है आपका घर क्लीन का क्लीन ही रहेगा। फिफ्थ क्लीनिंग हैबिट जो हमेशा हम इग्नोर करते हैं वो है क्लीनिंग एग्जिट्स। एंट्रेंस तो क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद जो एग्जिट्स होते हैं क्योंकि ये पीछे की तरफ होते हैं इनको उतना ध्यान नहीं देते हैं, पर इनका क्लीनिंग इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारा डस्ट जो है उड़ते हुए यहीं से आता है घर में। तो ये एग्जिट पॉइंट्स जो हैं, बालकनी हो, गार्डन एरिया हो, इनकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। आप जो कचरा है वो तो डेफिनेटली निकाल दोगे, उसके अलावा जो है पानी डाल के अगर आप क्लीन करते हो तो जो भी डस्ट वगैरह बैठ चुका है फ्लोर पे वो भी क्लीन हो जाएगा।
सिक्स्थ क्लीनिंग हैबिट जो हमेशा हम इग्नोर करते हैं वो है मैट के नीचे, जैसे कारपेट होता है या रग के नीचे जो फ्लोर होता है उसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको धूल ही नहीं मिलेगा, बहुत सारा बैक्टीरिया जो है वो जमा हो जाता है वहाँ पे, तो इसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पे जो है मैंने मैट स्प्रेड करके रखा हुआ है, तो नीचे की कारपेट जो है मुझे क्लीन करनी है। एंड ये मैट मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे बेटे को जो है कारपेट एलर्जीज़ हैं, तो ये प्लास्टिक वाला मैट जो है उसको खेलने के लिए यहाँ पे थोड़ा हैंग आउट करने के लिए ये परफेक्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे मैट यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं वैक्यूम क्लीनर यूज़ करने वाली हूँ, उसकी जो क्लीनिंग टिप्स एंड टेक्निक्स है मैं आपको दिखा रही हूँ इस वीडियो में। तो वैक्यूम क्लीनिंग के लिए जो है सेटिंग्स होते हैं, एक एक वैक्यूम क्लीनर का अलग अलग सेटिंग होता है। यहाँ पे जो है आप डर्ट के हिसाब से एंड साउंड के हिसाब से मिनिमम मैक्सिमम कर सकते हैं, तो ये मिनिमम मैक्सिमम का बटन है। उसके अलावा जो कारपेट के फाइबर्स होते हैं डर्ट पकड़ लेता है, तो उस फाइबर्स को जो है आपको हर डिरेक्शन में क्लीन करना होता है। तो मैं पहले टीवी की तरफ से जो है एक वर्टिकल लाइंस बना रही हूँ पूरे कारपेट एरिया को, तो मैट की तरफ आ रही हूँ। उसके अलावा जो है मैं ऑपोजिट डिरेक्शन से भी वर्टिकल लाइंस बनाऊंगी, उसके बाद जो है मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाऊंगी। तो ये मैं एक चेक्स जैसे चेसबोर्ड होता है ना उस तरह क्लीन कर रही हूँ, ताकि ये कारपेट जो है ऑल डिरेक्शंस में अच्छी तरह क्लीन हो जाए। इस वैक्यूम क्लीनर के बारे में मुझे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये सिमिलर लुकिंग वैक्यूम क्लीनर का लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक इट आउट। मूविंग ऑन टू सेवेंथ क्लीनिंग हैबिट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट हमेशा इग्नोर कर देते हैं, वो है स्कर्टिंग बोर्ड जो हमें घर में मिलते हैं, इनकी क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारा धूल जमा होता है। उसके अलावा जो वॉल पे मार्क्स होते हैं उनकी क्लीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं आप कितना भी क्लीन कर लो अगर वॉल्स जो डर्टी हैं तो घर क्लीन नहीं दिखेगा। इसके लिए जो है मैं वैक्यूम क्लीनर यूज़ करूँगी, इससे जो है मैंने वो जो बड़ा सा हैंडल मिलता है वो निकाल दिया है, तो इस पाइप से जो है धूल वगैरह जो भी जमा हुआ है वो आसानी से निकल जाएगा। इसके बाद जो है मैं बेबी वाइप्स यूज़ करूँगी, जो भी मार्क्स हैं वॉल पे वो इससे भी आसानी से निकल जाएंगे। वॉल जो है क्लीन हो चुका है, इसके बाद देखिए कितना डिफरेंस आ चुका है। एंड अगर डस्ट जमा होता है वो हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो भी अस्थमा एंड साइनस के प्रॉब्लम्स होते हैं ये धूल की वजह से होते हैं, तो घर जितना डस्ट फ्री हो उतना अच्छा है। एंड नाउ कम्स एट्थ क्लीनिंग हैबिट जो हमेशा इग्नोर करते हैं, वो है गैप्स। गैप होता है डोर के साइड में, डोर के ऊपर वहाँ पे भी धूल जमा होता है, तो इसकी क्लीनिंग भी हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें दिखता नहीं है इसी कारण। तो इसकी क्लीनिंग के लिए भी मैंने बेबी वाइप्स लिया है। बेबी वाइप्स यूज़ करने से जो है ये धूल सिर्फ बेबी वाइप को चिपकेगा, नीचे नहीं गिरेगा या उड़ेगा नहीं, तो बस इससे जो है मैं वाइप कर दूँगी और ये क्लीन हो जाएगा।
तो नाइन्थ क्लीनिंग हैबिट जो इग्नोर होता है वो है टॉयलेट क्लीनिंग। यस, टॉयलेट से जो है अगर गंदा है तो इससे जो बहुत सारी बीमारियां स्प्रेड होती हैं घर में, फैमिली मेम्बर्स जो हैं बीमार होने लगते हैं। इन कंपैरिजन विद लिविंग रूम मैंने देखा है कि टॉयलेट जो है गंदा रखते हैं पर लिविंग रूम जो है चमकता रहता है। ये क्लीनिंग हैबिट इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है बाथरूम क्लीनिंग पर, मेरे चैनल पे है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चेकआउट कर सकते हो। हमने क्लीनिंग बॉम जो बनाया है अगर क्लीनिंग के बाद इसमें डाल देते हैं तो ऑर्डर फ्री तो रहेगा ही, उसके बाद ये थोड़ा सा डिसइनफेक्ट भी कर देगा। दसवां जो क्लीनिंग हैबिट है वो है डोरमैट्स। डोरमैट्स हमेशा हम इग्नोर करते हैं, इनको धोना भूल जाते हैं। इनकी वॉशिंग इतनी आसानी है कि आप इसको सिर्फ जो है डस्ट फ्री बना के इनको वॉशिंग में डाल दीजिए, थोड़ा सा विनेगर डालिए एंड उसके अलावा लॉन्ड्री डिटर्जेंट, बस आपके डोरमैट्स जो हैं वॉश हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।